नमस्कार, मैं रंजन सनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र मंडावली से। बैंक ऑफ बड़ौदा की मंडावली शाखा में स्टाफ नहीं आने के कारण ग्राहकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सुबह 10 बजे से ग्राहक बैंक के बाहर भीषण गर्मी में बैंक कर्मियों के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 11 बजे तक भी केवल एक ही बैंक कर्मी बैंक पहुँचा है जो ग्राहकों को भुगतान नहीं कर रहा है। बैंक पहुंचे कर्मचारी का कहना है कि अन्य कर्मचारियों के आने के बाद ही भुगतान किया जाएगा। अन्य कर्मचारी कब तक आएंगे इसका कुछ पता नहीं है। इस समय जहां कोरोना वायरस चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग अपनी जरूरत के लिए रुपए निकालने के लिए बैंक जा रहे हैं, लेकिन मंडावली की बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के अंदर 11 बजे तक भी कोई स्टाफ नहीं पहुंचा। बैंक कर्मियों की इस लापरवाही की वजह से खातेदार परेशान है। कुछ बैंक के अंदर है, कुछ बैंक के बाहर गर्मी में बैठे हैं। इसके अलावा बैंक के बाहर बना एटीएम भी बंद है। एटीएम बंद होने से भी ग्राहकों को परेशानी हो रही है। मंडावली से अब्दुल रहमान अरवी की रिपोर्ट। तो सर होगा नहीं चेक, यू कब आएंगे सर? बैंक के बाहर खड़े हैं आप, क्या समस्या है बताइए। समस्या है सर, सुबह से खड़े हुए 10 बजे से यहाँ पे पेमेंट नहीं होती है, कहते स्टाफ नहीं है, पेमेंट नहीं है, क्या करें बताइए। अभी अभी कितना टाइम हो गया? मैं 10 बजे खड़ा हूँ यहाँ, 11 बज चुके हैं, अभी तक कोई स्टाफ नहीं आया है। कोई स्टाफ नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, ये सब लोग जो है सब इंतजार में बैठे? सब इंतजार में बैठे हुए हैं और पेड़ चले भी गए हैं यहाँ से, बहुत लोग आगे चले गए हैं। जमा ले रहे हैं, वापसी नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी ब्रांच है? ये मंडावली ब्रांच है बैंक ऑफ बड़ौदा की। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।